जाने कितनी माँ बहनों ने हमारी ने बच्चों को डिलीवर गाड़ी में किया यहाँ से रजौरी जाते हुए, न जाने कितने पेशेंट यहाँ से रजौरी जाते जाते मर गए। कुछ भी नहीं है इस हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर 80,000 की आबादी को देख रहा है। हम आपसे मुसाफिरों को परेशान नहीं करना किसी को। वो जो अपने चेहरों को कालक लगा के यहाँ से गया, जो बड़ी अच्छी है, मैं कहता हूँ शर्म होनी चाहिए ऐसे मिनिस्टरों को। वो दोबारा कौन से मुंह पर कालक लगा के हमारे बीच में आएंगे वोट मांगने के लिए। एक साफ डिस्ट्रिक्ट में है तो आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? आप इसी वक्त आए, मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे बीजेपी के भी मंडल प्रधान भी आए हुए हैं, वे भी मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं भी आपका नाउ आई एम गोइंग टू 65 ईयर ओल्ड। हम मंडी को जलता देख रहे हैं पल पल, ना इंसाफी जुल्म और सितम की चक्की में इंतजामिया के द्वारा। जैसे कश्मीर कौन ने भी अपनी खबर में ये आया किया है कि थाना मंडी की आवाम के साथ कैसे कैसे ना इंसाफी हो रही है हॉस्पिटल का, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल में आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि हमारी इस वक्त तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन जैसी कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेजबान राहिल गनेई। चंद रोज कबल कश्मीर क्राउन पर थन्ना मंडी हॉस्पिटल के हालात और वाकत दिखाए और उसके बाद आज ये आवाम जो है ये सरापा एहतजाज है। मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा मेरे साथ आए, ये यहाँ पर हालात और वाकत है और यहाँ पर जो है लोगों ने जो है उस खबर के बाद आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और यहाँ पर जो तमाम सोशल एक्टिविस्ट और यहाँ पर अभी एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच चुकी है जिसमें तहसीलदार थन्ना मंडी, SHO थन्ना मंडी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लोगों की बात को सुना जा रहा है, लोगों को यकीन दहानी कराई जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं क्या मुतालबा था आपका। हमने भी ये खबर चलाई कश्मीर क्राउन पर के हालात दिखाए थे, आज आपका क्या मुतालबा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आपको क्या यकीन दहानी कराई गई? सर आज का हमारा जो मुतालबा था वो वही है कि आज का मौजू भी मेरा यही था कि हम अपना नशीमन जलता देख रहे हैं, थन्ना मंडी को जलता देख रहे हैं पल पल, ना इंसाफी जुल्म और सितम की चक्की में इंतजामिया के द्वारा। जैसे कश्मीर कौन ने भी अपनी खबर में ये आया किया है कि थन्ना मंडी की आवाम के साथ कैसे कैसे ना इंसाफी हो रही है। आज हमने सिर्फ बात किया थन्ना मंडी हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए, ना जाने कितनी माँ बहनों ने हमारी ने बच्चों को डिलीवर गाड़ी में किया यहाँ से रजौरी जाते हुए, ना जाने कितने पेशेंट यहाँ से रजौरी जाते जाते मर गए हैं। मेरी इंतजामिया से आप लोगों के माध्यम से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को अपग्रेड करके यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल किए जाए, वरना आने वाले वक्त में मैं नेक्स्ट हफ्ते में यहाँ से नेक्स्ट वीक में यहाँ पे भूख हड़ताल करने वाला हूँ और इनडेफिनेट पीरियड भूख हड़ताल करने वाला हूँ अगर यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। मेरी आप लोगों के माध्यम से एक बार फिर से एलजी इंतजामिया से गुजारिश रहेगी कि यहाँ इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाए और यहाँ पे डॉक्टर दिए जाए। यहाँ पर जो गाँव के सरपंच है वो भी हमारे साथ, हम उनसे भी पूछेंगे गाँव के लोगों को। एक हॉस्पिटल जो एक उम्मीद थी कि जब सब डिवीजन हॉस्पिटल है थन्ना मंडी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है इस हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर 80,000 की आबादी को देख रहा है। सरपंच साहब कितनी परेशानियाँ होती हैं? जी हमें बहुत परेशानी होती है क्योंकि हम दूर दराज इलाके से हैं, डीके जी हमारी जो इलाका वो वहाँ से पड़ता है, तकरीबन 8 किलोमीटर दूर से हम आते हैं और यहाँ एक सब डिवीजन हमारे पास जो थन्ना मंडी में PSC है उसमें कोई डॉक्टर इस वक्त नहीं है, एक मैडम बैठी हुई है। पहले डॉक्टर जी हुआ करते थे डॉक्टर गुलाम और डॉक्टर नसार साहब, उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं है। हमने आज एक प्रोटेस्ट किया था जिसमें हमारे यहाँ कंसर्निंग तहसीलदार साहब और SHO साहब यहाँ मौजूद है, उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई है कि हम एक डॉक्टर यहाँ आपको एक डॉक्टर देंगे विद इन डेज। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमें कम से कम वक्त में एक डॉक्टर हमें ज़रूर यहाँ प्रोवाइड करें और हमारे अस्पताल को अपग्रेड किया जाए। तो हमें बहुत परेशानी है क्योंकि दूर दराज लोग आते हैं और उनको यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। जी क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आज आपने प्रोटेस्ट किया है, ट्रेड एसोसिएशन के आप सदर हैं, क्या कहेंगे आप, क्या आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या यकीन दहानी कराई गई है? देखिए राहिल, आज जो प्रोटेस्ट किया हुआ था ये प्रोटेस्ट के रिलेटेड था कि हमारा थन्ना मंडी जो हॉस्पिटल है वो आज भी PSC है। पहले आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने ये खबर कैच की है। बहरहाल मैं आपको ये बताऊँ कि PSC मतलब थन्ना मंडी सब डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट में CSC कम से कम होना चाहिए और आज भी यहाँ पे PSC है। आप मंगोटा दरा शादरा में देख लें PSC है और थन्ना मंडी सब डिवीज़न है इसमें भी PSC है, कोई फ़र्क नहीं है। और जो मेन मुद्दा था हमारा कि यहाँ पे स्टाफ की प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक लेडी है यहाँ पे, लेडी डॉक्टर है बेचारी, वो आई स्पेशलिस्ट है और यहाँ ना कोई सर्जरी का डॉक्टर है ना कोई गायनी का। हमें खासकर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे जितनी भी प्रेगनेंट लेडीज़ हैं हम यहाँ से रजौरी शिफ्ट करते हैं, रोड की इतनी खस्ता हालत है कई बार तो हमें रास्ते में ही प्रॉब्लम लेडीज़ को प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना देना चाहता हूँ कि सरकार को जल्द अज़ जल्द यहाँ पे स्टाफ कंप्लीट स्टाफ भेजना चाहिए और मशीनरी भेजनी चाहिए और CSC अपग्रेडेशन करके CSC में इसको पहुँचाना है। मैं अपने यूथ की तरफ से, थन्ना मंडी की आवाम की तरफ से और खासकर ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से सरकार का बड़ा मशकूर रहूँगा। ये हमारा ज़ाती मुतालबा है,
हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रंजिश नहीं है ऐसे, हमें हमारा स्टाफ चाहिए और पीएससी से अपग्रेडेशन करके सीएससी में भेजा जाए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर क्राउन की खबर जिस तरीके से वायरल हुई और उसके बाद आज आवाम सड़कों पर नजर आई और ये बिल्कुल सहरा जाता है आप तमाम लोगों को जो हमें प्यार देते हैं, और आज इस मुहिम में आप सब लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हम भी कोशिश हैं कि आप अपनी आवाज़ इस आवाज़ में बुलंद करें और पीएचसी थन्ना मंडी को सीएचसी बनाने में एक अहम रोल अदा करें। सरकार की तवज्जो इसकी तरफ चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का। ये हमारा पीएचसी थन्ना मंडी है, इसकी अपग्रेडेशन का जो इशू है ये एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में है और जो रिटन कम्युनिकेशन जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी या कंपिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ हमारा रहता है कि इसके अपग्रेडेशन को जो है वो कंप्लीट किया जाए। जहाँ तक अभी इसकी फंक्शनिंग का सवाल है तो उस पर मैं ये बताना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार जो है वो इसमें जो मेरी विज़िट भी रही है वो इस हॉस्पिटल में कुछ एक हफ़्ता पहले, जिसमें जो है मैंने वहाँ जाके डायरेक्शंस दी थी कि जो भी डॉक्टर्स की कमी है किसी भी तरह की हम अटैचमेंट के थ्रू या दूसरे तरीके से हम जो है वो पूरा करेंगे। इस रिगार्ड जो एसडीएम साहब ने रिटर्न में भी जो है उस चीज़ को लाया है और आज के इस प्रोटेस्ट में जो है जो ये प्रोटेस्ट बेसिकली पीएससी थाना मंडी से अपग्रेडेशन का था, इसमें मेरा यही वादा है रहा है कि जो भी हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं उन तक उनकी जो बात है वो पहुंचाएंगे। देखिए जो अपग्रेडेशन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं और एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होता है जिसकी वजह से वक्त लग जाता है, लेकिन फिर भी जो हो सकता है जितना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो हमारे लेवल पे जो चीज़ पॉसिबल है हम वो करेंगे, ऊपर तक पहुंचाएंगे। जहां तक इसकी फंक्शनिंग का क्वेश्चन है तो वहां पे जितनी कमियां हमारे लेवल पे सब रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे जो जो पूरी की जा सकती हैं वो हम पूरी करेंगे। दयानंद सागर यूनिवर्सिटी, लिव द ड्रीम।